रोल दलील साहेबांनी भेट घेतलेली आहे, काय चर्चा झालेली आहे दोघांच्या भेटीमध्ये? आता काय चर्चा असणार आहे विधानसभेच्या? आज शेवटी सामाजिक राजकीय भेट झाल्याच्या नंतर आमची खूप दिवसांनी भेट झाली, हॉस्पिटल आले होते, पुन्हा एकदा साधक बाधक चर्चा राजकारणावर समाजकारणावर. आता सध्या मैदानच की रेडचं जसं वारं असं तसं सध्या सुरू असत झाली चर्चा. नेमकं सांगितलं तर तुम्ही सगळं खेळ सांगितलं ना. 3 ते 1 दिवस थांबून राहून नेमकं थोडस राजकारणात म्हणलं जातं बाबा ते काही पत्ते हुकमी पत्ते ते ओपन करायचे नाही, ते वेळेवर टाकायचे असते. नुसतं चेस खेळलं नुसतं मांडून चालत नाही, ते खेळता यायला पाहिजे. डाव या खेळात तुम्ही एकत्र असणार काही होऊ शकतं, सामान्य जनतेसाठी काही होऊ शकतं, सामान्य जनतेसाठी काही पण होऊ शकतं, आमच्यासाठी नाही, आमच्या स्वस्थासाठी किंवा आमदार होऊन खासदार होऊन कुठं राजकारण करायसाठी नाही जायचं. सामान्याच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जर जायची वेळ येणार असेल काही होऊ शकतं, का नाही होऊ शकत. ओके विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालाय आज. अजून जरांगे पाटलांची भेट घेतली, नेमका उद्देश काय होता? मी जरांगे पाटील साहेबांना 2 हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेटलो होतो. इथेही जेव्हा त्यांचं आंदोलन सुरू झालं होतं इथेही आलो होतो. आणि त्यावेळी मी एक गोष्ट सांगितली होती की आपण जेव्हा हे घोषणा देतो एक मराठा लाख मराठा, तर त्यावेळी मी सांगितलं होतं की एक मराठ्याने पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कशा गाजवलेलं आहे, सगळे लाख मराठा रस्त्यावर आले तर काय हो, तर ते सत्य झालेलं आहे. आणि मी जरांगे पाटील साहेबांचा सुरुवातीपासून फॅन आहे या कारणाने की एक छोटासा गावाशा एक सामान्य माणूस आपल्या समाजाच्या हितासाठी जेव्हा त्याची प्रामाणिकता लोकांना कळतं तर सगळं समाज त्याचा मागे कसा येतो त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जरांगे पाटील साहेब आहे. आणि ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की कधीही त्यांनी आपली भूमिका बदललेली नाही आहे, ते आपल्या समाजासाठी लढत आहे. आज चांगली गोष्ट हे आहे की त्यांनी आम्हाला जेव्हा हे कळलं की सगळं आता निवडणूक जवळ आलेली आहे आणि जरांगे पाटील साहेबांचे आम्ही हे ऐकलं होतं की तेही निवडणूक लढणार आहे, त्यांचं म्हणजे त्यांच्या वतीने काही लोक निवडणूक लढणार आहे, तर त्या अनुषंगाने आणि आज जे समाजामध्ये जे चाललेलं आहे त्याच्या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी आम्ही आलो होतो. चाय पीने के ऊपर, चाय के ऊपर चर्चा करने के लिए चाय भी पिए, यहाँ पे बातचीत भी की है उसमें. अब आगे देखेंगे जो भी होगा. तो विधानसभा जरांगे पाटील आणि तुम्ही एकत्र आम्हाला दिसणार आहात का? देखिए जैसा भी अभी जरांगे साहब ने आपको बताया है कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो जो भी फैसला लेंगे, मैं अकेला अपने तौर के ऊपर मेरी पार्टी का फैसला नहीं कर सकता हूं. जरांगे पाटील साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया है अपने समाज के साथ चर्चा करके, समाज के जिम्मेदारों के साथ चर्चा करके उन्होंने फैसला लिया है. इसमें हमारी सिर्फ उम्मीद यही है, हमारी सिर्फ ख्वाहिश यही है कि आज महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जितने भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है या जो प्रस्थापित नेता लोग हैं, इनका लोगों का विश्वास इनके ऊपर से खत्म हो चुका है. तो जब तक आप नए चेहरे नहीं लेके आएंगे, लोगों का विश्वास जो है नए चेहरों के ऊपर होगा और लोगों को लगेगा कि नहीं भाई यही लोग बार 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 चुनकर आ रहे है करके. आज भी राजनीति के अंदर देखिएगा, आज विधानसभा आज एमएलए का ये हुआ है, एक बाप मंत्री रहता है बेटे को आमदार बना दिया जाता है, मतलब बाकी और कोई नहीं है. ये घरानेशाही कहीं ना कहीं तो खत्म होनी चाहिए ना उसमें. तो आज अगर कोई ऐसी कोशिश की जा रही है तो हम उस कोशिश के अंदर पूरा साथ देंगे जरांगे पाटील साहब को. जरांगे पाटलांनी बुद्धिबळाचं उदाहरण दिलं आहे, तुम्ही एका बाजूने एकत्र आलात आणि पुढचा कोण आहे राजा जो तुम्हाला मारायचा आहे? नाही मी समजा नाही. बुद्धिबळाचे 2 संकट असतात, दोन्हीकडे राजा असतात, तुम्ही एकी कोण झालात, तर पुढचं टार्गेट कोण आहे? देखिए साहब, मैं ये समज के चलता हूं कि यहां पर राजा की बात नहीं हो रही, यहां पे प्रजा की बात हो रही है.
जरांगे पाटिल साहब भी जितना भी आंदोलन कर रहे हैं वो उनके समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है। मैं विधानसभा के अंदर जब आमदार था उस वक्त एक भाषण किया था और मैंने ये बताया था कि अगर भाजपा तैयार है, शिवसेना तैयार है, कांग्रेस तैयार है, एनसीपी तैयार है, समाजवादी तैयार है, हम तैयार है, तो क्या वजह है कि इसके अंदर रुकावटें लाई जा रही है करके। देखिए, बोलना कुछ और करना कुछ, ये राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की आदत बन चुकी थी। अब ये जब से आए हैं तो ये सबकी पोल खोल रहे हैं, सबको उधेड़ रहे हैं, तो अब सब परेशान हैं इनकी वजह से। इनका मकसद यही है कि मेरे समाज के साथ इंसाफ करो। हम भी है यही कि चाहते हैं कि साहब हमारे समाज के साथ भी कुछ इंसाफ होना चाहिए करके। और जब दो लोग का कॉमन गोल रहेगा, ऑब्जेक्टिव एक रहेगा उसमें, तो यकीनन इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, हम भी इनके साथ जुड़ेंगे। जरंगे पाटलांनी 14वी निजरा आरक्षणाचा लढाला सुरू ठेवलाय, त्यांना आरक्षण भेटलं नाही, त्याचा साफ दावा आहे की देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला फसवले। देखिए, मैं है तो अकेले सिर्फ देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो लोगों को समझ में आ चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करने का है, केंद्र सरकार के पास जाने का है, मैं तो आपको यहां तक ये कहता हूं कि उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने यहां के एक बड़े नेता को बुलाकर ये कहा था कि ये आंदोलन मराठा समाज का किसी भी हालत के अंदर दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए करके, यहीं का यहीं इसको रखना चाहिए करके। तो उनकी नीति रही है ये, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं बहुत हद तक, जो है सबको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं करके। मैं तो आपको शुरुआत से ही कहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी है और उनके जितने भी है नीचे से लेके ऊपर तक, ये सभी लोगों की साजिश है। आपका अलायंस हो सकता है? देखिये, मैंने है तो आप सीधे तरीके से पूछ रहे हैं, मैंने आपको हर चीज का जवाब दे चुका हूं। अलायंस का मतलब क्या होता है? जब आप एक कॉमन गोल को हासिल करना चाहते हैं, और वो कॉमन गोल क्या है करके, समाज के अंदर अगर हमको परिवर्तन लेके आने का है, आज जो जाति धर्म के नाम के ऊपर जो घटिया राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है, मुझे खुशी इस बात की है, मैंने जरांगे पाटिल साहब के तमाम ऐसे भाषण सुना हूं, कहीं पर भी वो ये नहीं कहते हैं कि साहब ये समाज ने वो समाज के खिलाफ बोलना चाहिए, ये धर्म ने दूसरे धर्म के बारे में कुछ बात करना चाहिए। उनका एक गोल है, उनकी एक सोच है कि भैया हमको रहना सबको साथ में ही है करके। उसमें उन्होंने कितने उदाहरण अपने गांव के दिए है यहां पर कि उनके गांव के अंदर किस तरीके से अच्छा, लेकिन आज क्या वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर जाति धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराना चाहिए। और वो कौन गिरा सकता है? जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है उनसे हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, तो जो नई लीडरशिप डेवलप हो रही है अगर वो प्रामाणिक है, और जिसको मैं जरांगे पाटिल साहब के अंदर देखता हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक नई पहल हो रही है, क्यों ना हमें कोशिश करके देखें करके। जरांगे पाटिल की जो आंदोलन का उसका जो फायदा है, मुस्लिम तबके के बच्चों को भी मिला है, इस वजह से भी आप देख सकते हैं। देखिए, 100% मैं जैसा आपको ये बताया हूं ना कि जब आपको जब फायदे मिलते हैं, किसको फायदा मिलना चाहिए साहब? जो सबसे गरीब लोग हैं। आज अगर आप बोलेंगे कि इम्तियाज अली तुमको रिजर्वेशन चाहिएगा करके, तो इम्तियाज अली को नहीं चाहिए, लेकिन मेरे समाज के अंदर भी जो गरीब लोग हैं, जिनको जिनकी आवाज कभी नहीं पहुंचती है, जो मजबूर है, जो बेसहारा है, तो वैसे लोगों के लिए ही ये लड़ाई जो है वो जरांगे पाटिल साहब ने शुरू की थी उसमें। और कभी भी मैंने आपको जैसा बताया, मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूं, अगर वो ये कहते कि साहब ने ये समाज बराबर नहीं है, मैं मेरे समाज के बारे में, उन्होंने हमेशा सभी समाज को साथ में लेने की बात की है। आज अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे समाजों को साथ में नहीं ले रहे हैं, सभी समाज के लोगों को अब समझना चाहिए, या तो उन बेमानों का साथ दे या एक नई पहल जो हो रही है तो उसका साथ दे करके अब जनता को तय करना है। जलील सर, याच्यामध्ये असं आहे की मनोज जरांगे तो सोशल इंजिनियरिंग साठी फार प्रयत्न चालू आहेत, त्यामध्ये दलित मुस्लिम धनगर मराठा, तुम्हाला वाटतं की सिच्युएशन आताची जी आहे ते योग्य आता गणित बसू शकतं, योग्य संधी आहे? मला असं वाटतं की 2024ची ही जी निवडणूक आहे याच मुद्द्यावर असणार आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये जे आज जाती धर्माचा तेढ निर्माण करण्याचा जे प्रयत्न सत्ताधारी आणि विशेषकर भारतीय जनता पार्टी कडून जे सुरू आहे ते कुठेतरी थांबायला पाहिजे। आणि आज सगळ्यात जास्त महाराष्ट्राला काय आवश्यकता आहे तर सोशल इंजिनियरिंगची, म्हणजे सगळे जाती धर्माचे कोणत्याही माणसाला
एकमेकाशी द्वेष करायचं नाही आहे. उनको अपनी रोजी रोटी से है तो फिकर ये है, परेशान है, किसान परेशान है. ऐसे हालात के अंदर कौन जाति धर्म के बारे में है तो सोचते रहेगा, अगर उनका पेट खाली ही है तो उसमें. तो अगर सबके बारे में अगर सोच रहा है कोई तो हम यकीनन उसको पूरी तरीके से साथ देंगे. और हमारा यही कहना है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो सभी जाति धर्म और मजहब के ऊपर उठ के, हाँ, हम सब एक है. हमें गर्व के साथ कहना है कि माला अभिमान है कि मैं महाराष्ट्र न है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं. इस मुद्दे के ऊपर लड़ना चाहिए, वरना आपको तो लड़ाने के लिए बैठे हुए ही है सत्ताधारी जितने भी बैठे हैं. जयंत पाटिल अपने भाषण नेहमी मानता कि मुसलमान ने कुणाला घाबरायची गरज नहीं, मुसलमान से कोई वाकड़ा करू शकत नाही. देखिए यही कसं बघता मुसलमान कडे घाबरायचं. मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैं आज अगर चौथी मर्तबा अगर जरांगे पाटिल साहब से मिलने के लिए आया हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उनके लिए एक आदर का स्थान बना है. और इसलिए आदर का स्थान बना है कि वो इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं. उन्होंने कभी तो जाति धर्म और मजहब के हिसाब से बात नहीं किए हैं, उन्होंने सबका साथ लेने की बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुसलमानों को घबराने की, उनका पैगाम यही है कि दलितों तुमको भी घबराने की जरूरत नहीं है, ओबीसी समाज को भी किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि आपके खिलाफ जो साजिशें रची जाती है और उसके जरिए कैसा राजनीतिक फायदा उठाया जाता है वो खत्म होना चाहिए. अपन राज्यामध्ये किती जागा लढवणार आहात? आता ते ठरलेले नाही आहे. काही पत्रकार येत असेल तर तिकीट द्यायला तयार आहे. ठीक आहे भैया, धन्यवाद.